ऐश्वर्या राय बच्चन उस समय गुस्से में आ गई जब एक रिपोर्टर ने उनसे सलमान को लेकर सवाल कर लिया। बताया जाता है कि सवाल सुनने के बाद न केवल ऐश्वर्या इंटरव्यू बीच में छोड़कर चली गई, बल्कि उस दौरान के सारे फुटेज भी डिलीट करवा दिए। ये घटना सरबजीत के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान घटी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या अपनी हालिया रिलीज फिल्म सरबजीत को प्रमोट करने के लिए इंटरव्यू दे रही थी। इसी दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वो भविष्य में कभी एक्स बॉयफ्रेंड सलमान खान के साथ काम करना पसंद करेंगी। सवाल सुनते ही ऐश्वर्या गुस्से से लाल हो गई और इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर रूम से बाहर आ गई। इतना ही नहीं, उन्होंने रिकॉर्ड हुए सारे फुटेज भी डिलीट करवा दिए। इस दौरान प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने उन्हें शांत करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक न मानी। अक्षय कुमार एक्ट्रेस लीजा हेडन पर नस्ली जोक से भड़क गए। एक टीवी कॉमेडी शो में इस एक्ट्रेस पर कमेंट हुआ था। इन दिनों अक्षय रितेश देशमुख, लीजा हेडन और जैकलीन फर्नांडिस के साथ हाउसफुल 3 का प्रमोशन कर रहे हैं। इसी दौरान पिछले दिनों कॉमेडी नाइट्स बचाओ के सेट पर ये वाकया हुआ। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ जाधव के एक्ट पर अक्षय को गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ लीजा से कंगारुओं के बारे में बात कर रहे थे। बता दें कि लीजा ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। इससे पहले भी वो लीजा पर ब्लैक अफ्रीकन जैसा कमेंट पास कर चुके थे। उसी दौरान अक्षय ने हस्तक्षेप करते हुए कॉमेडियन को रोका और इसके बाद अक्षय ने कॉमेडियन को धक्का दिया, जिसके बाद वो सेट से दूर जाकर गिरा। की दो अभिनेत्रियां जैकलीन फर्नांडिस और लीजा हेडन की हाथापाई की वीडियो सामने आई है, जिसमें दोनों अभिनेत्रियां एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाती नजर आई। इन अभिनेत्रियों के बीच हुई हाथापाई का ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि खिलाड़ी अक्षय कुमार ने पोस्ट किया है। अक्षय ने इन दोनों के झगड़े का वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर दिया। दरअसल जैकलीन और लीजा के बीच एयरपोर्ट पर हवाई जहाज में चढ़ने को लेकर झगड़ा हुआ। कभी जैकलीन लीजा को कमर से खींचकर पीछे धकेलती तो कभी लीजा जैकलीन को लात मारकर नीचे गिरा देती। बता दें ये सब मजाक था। वीडियो पोस्ट करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा, जैकलीन और लीजा के बीच सलमान खान के किक 2 के लिए कंपटीशन चल रहा है। इन दिनों सलमान और संजय दत्त के बीच कोल्ड वॉर की खबरें चल रही हैं और अब कहा जा रहा है कि सलमान और संजय के बीच झगड़े का कारण एक महिला है जो सलमान की मैनेजर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान संजय के बीच झगड़े का कारण रेशमा शेट्टी है, जो सलमान खान की मैनेजर है। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय जब दिसंबर 2014 में पैरोल पर बाहर आए थे, तब सलमान ने संजय को सलाह दी थी कि वो रेशमा को अपना मैनेजर बना ले, रेशमा उनको मूवी दिलाने में मदद करेंगी। संजय ने सलमान की बात मान ली और रेशमा को अपॉइंट भी कर लिया, लेकिन कई महीनों बाद भी संजय दत्त को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। जब संजय ने इस बारे में पूछा तो उनको पता चला कि रेशमा और उनकी टीम ने संजय की फीस बढ़ा दी थी। इसके बाद संजय ने रेशमा से इस मामले में बात की और जमकर नाराजगी भी जताई और उसके बाद रेशमा और संजय का प्रोफेशनल रिश्ता खत्म हो गया। सलमान को ये बात बहुत बुरी लगी कि संजय ने रेशमा शेट्टी को सम्मान नहीं दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि बाद में संजय ने सलमान से बात भी करनी चाहिए, लेकिन सलमान ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मॉडल और एक्ट्रेस सोफिया हयात इन दिनों फिर चर्चा में आ गई हैं। बात बात पर कपड़े उतारने वाली कंट्रोवर्सी क्वीन सोफिया नन बन गई हैं। सोफिया ये दावा कर रही हैं कि उनका दूसरा जन्म मदर होली ट्रिनिटी के तौर पर हुआ है। बता दें कि एक समय सोफिया हयात का नाम क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ भी जुड़ा था। सोफिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक समय कथित तौर पर एक बुरे संबंध में थी, जहां सोफिया ने एक बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी। नन बनने के बाद सोफिया ने एक्टिंग और मेकअप न करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सोफिया ने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अब वो कभी सेक्स, शादी और बच्चे नहीं करेंगी। सोफिया ने कहा, मानवता मेरा धर्म है, मैं ना तो हिंदू हूँ और ना ही कैथोलिक हूँ, मैं केवल प्यार को मानती हूँ और धर्म के रूप में मैं सिर्फ एकता में विश्वास करती हूँ। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।